जैसे दोस्तों पता है आपको कि नाउन का सेशन चल रहा है, नाउन के सेशन में मैं आपको फैक्ट्स ऑफ नाउन करा रहा हूँ। तो फैक्ट्स ऑफ नाउन में मैंने आपका 1 से लेकर 10 तक रूल को कंप्लीट कर लिया है। तो आज मेरा जो रूल है वो आपका 11 से हम लोग देखते हैं। तो आपका 11 रूल कुछ इस प्रकार से है कि अगर सेंटेंस में नंबर प्लस मेजरमेंट प्लस मिजर्ड की चर्चा हो जाए तो फिर क्या होगा। देखिए यहाँ नंबर का मतलब संख्या से है, कुछ भी 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। और मेजरमेंट का मतलब मापक, यानी कोई भी चीज को जब हम मापते हैं ना किसी भी थिंग से नापते हैं, जैसे भी कोई भी आपको केजी में आप नाप सकते हैं, दूरी को डिस्टेंस में आप किलोमीटर वगैरह में मीटर में माप सकते हैं, कोई भी लीटर में आप नाप सकते हैं, कोई भी लिक्विड अगर फॉर्म में है कोई भी थिंग्स। तो कहने का मतलब है कि मेजरमेंट का मतलब होता है आपका मापक, एक प्रकार का एक थिंग है नापने वाली। और मेजर का मतलब होता है वह वस्तु जिसे कि मापा जाए, यानी कि जिस मेजरमेंट से आप किसी चीज को माप रहे हैं तो वो वस्तु क्या है कि नहीं, किस चीज को आप माप रहे हैं, दूरी को माप रहे हैं और कोई भी थिंग्स को, ऑयल को, कोई भी चीज को आप माप रहे हैं। यानी कि यहाँ पर मेजर का मतलब है उस वस्तु से जिसे कि मापा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं इसके नोट में, तो बोल रहा है कि इन दिस कंडीशन मेजरमेंट इज ऑलवेज सिंगुलर बट गेट्स वर्ड अकॉर्डिंग टू द मेजर। अगर किसी भी सेंटेंस में नंबर प्लस मेजरमेंट प्लस मेजर की चर्चा एक साथ हो जाए तो ऐसी सिचुएशन में ये जो आपका मेजरमेंट है वो हमेशा कैसा रहेगा, तो ये आपका ऑलवेज कैसा रहेगा, तो ये आपका सिंगुलर रहेगा। लेकिन सेंटेंस में यहाँ पर आपका कैसा वर्ब आएगा वो डिपेंड करेगा किस पर, अकॉर्डिंग टू द मेजर, वो किस पर डिपेंड करेगा, तो मेजर पर डिपेंड करेगा, है कि नहीं। यानी कि मेजर्ड के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे क्या आएगा, तो वर्ब आएगा। लेकिन ऐसी सिचुएशन में मैं आपका मेजरमेंट का कोई भी नंबर से लेना देना नहीं है, ये आपका हमेशा सिंगुलर ही रहेगा। एग्जांपल क्या आते हैं, देखिए यहाँ पे 5 से पहले आपका 11 यानी कि जो एज अ नाउन आपका ये आपका यूज हो रहा है। तो 5 जो है आपका क्या आपका एक नंबर है कि नहीं। और यहाँ पे रूपी, तो रूपी क्या रहेगा, तो रूपी आपका एक मेजरमेंट है, ठीक। और नोट, नोट क्या है, तो नोट आपका एक मेजर है कि नहीं। तो यहां पे बोल रहा है कि अ 5 रुपी नोट हैज बीन गिवन टू सीता, ये आपका एग्जांपल बिल्कुल सही है। कैसे, तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि ये 5 क्या, जब हम ए लगा दिए तो ये जो 5 है वो कैसा बन गया, तो ये सिंगुलर बन गया, है कि नहीं। और जब यहाँ पे आपका बात हुआ है रूपी का, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रूपी रूपीज में चेंज नहीं हो सकता है। अगर यहाँ, क्योंकि ये जो आपका है रूपी, ये तो आपका एक मेजरमेंट है और मेजरमेंट हमेशा कैसा रहेगा, तो ये आपका एक सिंगुलर है, लेकिन ये कभी भी प्लुरल नहीं होगा। और यहाँ पे चूंकि हम लोग बात करते हैं किसका, नोट का, तो नोट तो आपका एक मेजर है ना, है कि नहीं। चूंकि आपका ये नंबर ही सिंगुलर है तो आपका मेजर भी कैसा रहेगा, सिंगुलर। इसलिए यहाँ पे आपका वर्ब भी कैसा अप्लाई हुआ है, तो सिंगुलर। अब इसका हिंदी अगर हम लोग बात करें तो क्या होगा, तो इसका हिंदी कुछ इस प्रकार से होगा, अब 5 रुपी नोट हैज बीन गिवन टू सीता, सीता को 1 5 रुपए का नोट दिया गया है, यानी कि उसको नोटों की संख्या कितनी मिली है, 1, जिसका वर्थ कितना है, तो 5 रुपया। सीता को 1 नोट दी गई है जो कि कितना रुपया का दिया गया है, तो 5 रुपए का, उसको 1 से ज्यादा नोट थोड़ी ना मिला है कि नोट नोट्स में चेंज हो जाएगा, 1 ही नोट मिला है लेकिन कितने रुपए का है, तो 5 रुपए का, यानी कि 1 5 रुपए का उसको नोट दिया गया है, किसे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी आते हैं, 5 रुपी नोट्स हैव बीन गिवन टू सीता, यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 से पहले कोई भी आपका आर्टिकल नहीं है, यानी कि 5 जो आपका कौन सा नंबर में, तो ये आपका प्लुरल नंबर के रूप में आएगा। तो जब 5 नहीं आना तो क्या रुपी होगा, तो रुपीज होगा, रुपीज को जिंदगी में ही होगा, क्योंकि आपका ये 5 क्या होगा, तो आपका नंबर हो गया। और रूपी क्या हो गया, तो ये आपका एक मेजरमेंट है, और आपको पता है कि मेजरमेंट ऑलवेज कैसा रहेगा, तो ये सिंगुलर रहेगा, ये तो हमेशा सिंगुलर ही रहेगा, यानी 5 या 10 इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। मेजरमेंट ऑलवेज कैसा रहेगा, तो ये सिंगुलर रहेगा, लेकिन इसका कुछ ना कुछ भी तो असर पड़ेगा ना भाई, तो इसका असर पड़ेगा यहाँ पर, ये 5 रुपी है लेकिन यहाँ पे इसका असर पड़ेगा, चूंकि आपका नंबर ये प्लुरल है, इसलिए नोट क्या चीज में चेंज हो जाएगा आपका, तो प्लुरल में, है कि नहीं। चूंकि आप यहाँ पर बोल रहे हैं सेंटेंस में कि अगर किसी सेंटेंस में नंबर मेजरमेंट और रिजल्ट एक साथ आ जाए तो डिपेंड करेगा कि भर्त कैसा आएगा, तो किस पे डिपेंड करेगा, तो मेजर्ड पे डिपेंड करेगा। तो चूंकि आपका मेजर्ड यहाँ पे कैसा है, तो प्लुरल है, इसलिए आपका भर्त भी कैसा आएगा, तो पी भी प्लुरल। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 5 रुपी नोट्स हैव बीन गिवन टू सीता, कहने का मतलब है कि सीता को 5 रुपया ही दिया गया है, कितना दिया गया है, 5 रुपया ही दिया गया, लेकिन इस बार जिसको पैसा दिया गया है वो किस चीज के फॉर्म में दिया गया, कॉइन्स या नोट्स में, तो नोट्स के फॉर्म में दिया गया, यानी कि उसको पैसा जो मिला है वो नोट मिला है, उसको कॉइन नहीं मिला है, सिक्के नहीं मिले हैं, उसको नोट मिला है। अब देखिए नोट जो है वो क्या क्या चीज का हो सकता है, 1 का नोट 5 रुपये हो सकता है कि नहीं, तभी तो ये नोट्स हो गया ना, 5 रुपया उसको दिया गया है सीता को, हो सकता है 1 रुपया का 5 नोट हो, क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं है ना,
यहाँ पे बोला गया कि 5 रुपी नोट्स हैपेंड गिवन टू सीता, 5 रुपया दिया गया है सीता को, लेकिन कैसा दिया गया, यानी 1 रुपया का 5 नोट दिया गया, या फिर 2 रुपया का 2 नोट और 1 रुपया का 1 नोट दिया गया, या फिर 1 रुपया का 3 नोट और 2 रुपये का 1 नोट दिया गया, ये हमको पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि नोटों की संख्या 1 से अधिक है। ठीक है, तो ऐसे फॉर्म में जो है आपका ये नंबर के अकॉर्डिंग मिजर्ड जो है, मिजरमेंट तो हमेशा सिंगलर है, रुपया आपका मेजरमेंट है और आपका जो नोट्स है ये आपका एक मिजर्ड है, तो नंबर के अकॉर्डिंग मिजर्ड जो है वो सिंगुलर या प्लुरल हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 है और नोट्स हो गया इसके अकॉर्डिंग, इसलिए आपका वर्ड भी कैसा है, तो प्लुरल, यानी कि 5 रुपया जो है नोट नोट के फॉर्म में, यानी कि 5 रुपया किसको दिया गया, तो सीता को दिया गया। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं रूल्स नंबर 12 पे। चलिए तो हम लोग देखते हैं रूल नंबर 12, बोल रहा है कि नंबर प्लस मेजरमेंट प्लस मिजर्ड, अगर किसी भी सेंटेंस में नंबर के बाद फिर से एक नंबर आ जाए, उसके बाद मेजरमेंट आ जाए, उसके बाद मिजर्ड, तो क्या होगा, नोट में देखते हैं। इन दिस कंडीशन मेजरमेंट इज ऑलवेज सिमिलर बट गेट्स वैल्यू अकॉर्डिंग टू द कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट नंबर एंड मिजर्ड। ऐसे सिचुएशन में मेजरमेंट, यानी कि ये जो आपका पार्ट है मेजरमेंट, ये हमेशा कैसा रहेगा, तो ये हमेशा सिंगुलर रहेगा, ये प्लुरल नहीं होगा, दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक ना, तो इन दिस कंडीशन मेजरमेंट इज ऑलवेज सिंगुलर बट गेट्स वैल्यू अकॉर्डिंग टू द कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट नंबर एंड मिजर्ड। तो ऐसे सिचुएशन में मेजरमेंट हमेशा सिंगुलर रहेगा, लेकिन सेंटेंस में यहाँ पर कैसा भर रहेगा वो डिपेंड करेगा किस पर, तो पहला नंबर, ये आपका पहला नंबर और ये आपका दूसरा नंबर, तो पहला नंबर और मिजर्ड के कॉम्बिनेशन पे यहाँ पे डिपेंड करेगा कि कैसा भर आएगा, याद रखिएगा दूसरे नंबर नहीं पहला नंबर। चलो हम लोग आते हैं इसके एग्जांपल पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 जो कि आपका एक नंबर है, ये आपका पहला नंबर, और 10 ये आपका दूसरा नंबर, तो नंबर प्लस नंबर, नंबर प्लस नंबर प्लस मेजरमेंट, तो आपका मेजरमेंट क्या है, तो यहाँ पे रुपी है, ये तो आपका हमेशा कैसा रहेगा, तो ये आपका सिंगल रहेगा, चलिए सिंगल भी है, प्लस किसकी चर्चा हो रही है, तो मिजर्ड, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मिजर्ड में किसकी चर्चा हो रही है, नोट की, लेकिन यहाँ पे नोट नहीं नोट्स है, क्योंकि पहला नंबर क्या है आपका 1 है ना, तो 1 के अकॉर्डिंग क्या आपका ये जो मिजर्ड है वो नोट होना चाहिए या नोट्स होना चाहिए, 1 नोट कि 1 नोट्स, ऑब्वियसली 1 नोट्स नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे 1 नोट होना चाहिए था, है कि नहीं। अब यहां पर ये भड़बड़ा आपका यही ना, कि अगर सेंटेंस में जब ऐसे सिचुएशन आ जाए नंबर प्लस मेजरमेंट प्लस मिजर्ड, तो सेंटेंस में यहाँ पे कैसा भड़क आएगा वो डिपेंड करेगा पहला नंबर और मिजर्ड पे, तो ये आपका पहला नंबर चूंकि आपका सिंगुलर है, इसलिए आपका मिजर्ड भी कैसा है, तो आपका सिंगुलर है कि नहीं। यहाँ पे हम नोट्स नहीं नोट की चर्चा करेंगे, जब ये आपका मिजर्ड ही सिंगुलर है तो भड़क यहाँ पे कैसा आएगा, सिंगुलर या प्लुरल, सिंगुलर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका हैज। अब इसका हिंदी क्या हो जाएगा, तो 110 रुपी नोट हैज बीन गिवन टू मोहन, एक नोट दिया गया है जिसका वर्थ कितना है, तो 10 रुपया, 10 रुपए का एक नोट जो है किसको दिया गया है, तो मोहन को दिया गया है। ठीक है, यहां पर नोटों की संख्या मात्र 1 है जिसका वर्थ कितना है, तो 10 रुपया है। ठीक, अगला एग्जाम्पल आते हैं, 5-10 रुपी नोट हैज बीन गिवन टू मोहन। अब यहाँ पे देखिए आपका पहला नंबर या आपका दूसरा नंबर या आपका मेजरमेंट हमेशा आता है कैसा, तो सिंगलर आता है ना। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कि पहला जो नंबर है वो आपका क्या है, तो 5 है, 1 से ज्यादा, यानी कि नंबर आपका सिंगुलर नहीं है, कैसा है, तो प्लुरल है। जब ये प्लुरल है तो इसका प्रभाव किसी पे तो पड़ेगा ना, तो इसका प्रभाव पड़ेगा किस पे, तो इसका प्रभाव पड़ेगा नोट पे, जो कि नोट क्या है, तो आपका एक मेजर्ड है, नंबर प्लस मेजरमेंट प्लस मिजर्ड, तो यहाँ पे आपका कैसा भरा आएगा वो किस पे डिपेंड करेगा, तो पहला नंबर और मिजर्ड के कॉम्बिनेशन पे, इन दोनों के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका भरा अप्लाई होगा। तो चूंकि पहला जो नंबर है वो कैसा है आपका, तो प्लुरल है, तो क्या यहाँ पे नोट होगा क्या, नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो नोट्स। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, तो नोट्स, तो 5-10 रुपी नोट्स चूंकि आपका मिजर्ड आपका कैसा है, प्लुरल है, तो यहाँ पे हैज भी है, तो है हो जाएगा, यानी कि आपका भर भी कैसा अप्लाई होगा, तो प्लुरल। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा कि तो 5-10 रुपी नोट्स हैव बीन गिवन टू मोहन, यानी कहने का मतलब है मोहन को कितना पैसा दिया गया, 5 नोट दिया गया है, क्या दिया गया है, 5 नोट, लेकिन कितना रुपया का नोट दिया गया है, तो 10 रुपए के 5 नोट दिया गया है किसको, तो मोहन को, यानी टोटल कितने पैसे दिए गए, तो 10 बचे 50 रुपए दिए गए किसको, तो मोहन को, और नोटों की संख्या कितनी है, तो 5 है, और एक नोट का जो वर्थ है वो कितना है, तो 10 है, तो
दस बचे पचास, यानी कि दस रुपए का पांच लो नोट इसको दिया गया है तो मोहन को, यानी कहने का मतलब है कि यहां पर जो नोटों की संख्या थी वो एक से ज्यादा थी, है कि नहीं। नोट जो था वो दस रुपए का नोट था, नोट जो था वो कितने रुपए का था, दस रुपए का था, और इसकी संख्या कितनी थी तो पांच थी, है कि नहीं। तो पांच हो जाए नोट की संख्या रहेगा तो नोट रहेगा कि नोट्स, ये तो आपका नोट्स ही हो जाएगा, जब नोट्स रहेगा तो हैच किया है, कि सिंगल वर्ड या प्लुरल वर्ड, तो प्लुरल वर्ड आएगा ऑब्वियसली, है कि नहीं। तो ये आपका हो गया सही, ठीक है। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट रूल पे, तो रूल्स नंबर 30। रूल्स नंबर 30 कुछ इस प्रकार से है, पुलिस को यहाँ पे दर्शाया गया है, देखिए पुलिस डिनोट्स इट्स एंटायर पुलिस डिपार्टमेंट दैट इज प्लुरल एंड गेट्स प्लुरल वर्ड। पुलिस जो है वो संपूर्ण पुलिस डिपार्टमेंट को दर्शाने के लिए जाता है, जो कि होता है प्लुरल, और सेंटेंस में अपने संदर्भ लेके आएगा कैसा, तो प्लुरल, ये सिंगुलर अप्लाई लेकर नहीं आएगा, ठीक है। द पुलिस हैज अरेस्टेड अ थीफ, यहां पर मुझे द पुलिस लिखने से क्या ये पता चलता है कि पुलिस की संख्या कितनी थी, एक थी या दो थी। बोल रहा है कि पुलिस जो है एक चोरवा को क्या किया है, तो पकड़ा है, तो क्या एक पुलिस वाले ने पकड़ा है, दो पुलिस वाले ने पकड़ा है, नहीं। पूरा यहाँ पर पुलिस को लिखने से पूरा पुलिस डिपार्टमेंट का संबोधित हो रहा है कि नहीं, केवल एक या दो पुलिस वाले का बारे में चर्चा नहीं हो रही है, पूरा पुलिस डिपार्टमेंट की बात हो रही है। और जब पुलिस पूरा डिपार्टमेंट की चर्चा करेगा तो ऐसे में यह सिंगुलर नहीं कैसा वर्ब अप्लाई करेगा, तो ये प्लुरल वर्ब अप्लाई करेगा, तो यहाँ पे हैज नहीं क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। The police have arrested a thief. याद रखिएगा, the police have होता है, the police has नहीं होता है। The police के साथ plural verb, singular verb नहीं आएगा। इसके एक note है, देखते हैं। One police. जब हम sentence में अगर police को उसको उसकी गिनती के तहत दर्शाएंगे, है कि नहीं, जैसे एक पुलिस वाला, दो पुलिस वाला, तीन पुलिस वाला, तो जब हम गिनती के तहत पुलिस को दर्शाएंगे तो वन पुलिस के लिए हम वन या टू थ्री पुलिस नहीं करेंगे, हम किसका प्रयोग करेंगे, पुलिस मैन। जब एक पुलिस वाला को दर्शाया जाएगा तो किस शब्द का प्रयोग करेंगे, पुलिस मैन लगाएंगे, ठीक है। और जब मोर देन वन पुलिस रहेगा, यानी एक से ज्यादा जब पुलिस को हमको दर्शाना है, यानी कि दो तीन चार पांच, तो वहां पर हम पुलिस को पुलिसेस में चेंज नहीं करेंगे, क्या लिखेंगे, तो पुलिस मैन लिखेंगे, है कि नहीं। वैसे भी मैन का प्लुरल क्या, तो मैन। वैसे भी मैंने इसको आपको बताया था कंपाउंड नाउन में, कि जब कोई भी सेंटेंस में जब दो पोस्ट, यानी कि एक आपका जैसे कि कोई भी पोस्ट आ जाए, यानी कि दो वर्ड से मिलकर बना हो और उसका समर्थन मैन या वुमैन से होता है, तो वैसे में उसको सिंगुलर से प्लुरल में चेंज करने के लिए मैन को मेन में और मैन को वुमैन में चेंज करते हैं, आपको याद होगा, है कि नहीं। तो पुलिस मैन पुलिस मैन, है कि नहीं। मिल्कमैन मिल्कमैन, वाशरमैन वाशरमैन, बिजनेसमैन बिजनेसमैन, बताया था मैंने आपको कंपाउंड नाउन में। तो यहाँ पे उसको आप याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा, और इसको अभी हम लोग समझते हैं। तो मोर देन वन पुलिस के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो पुलिस मैन का करेंगे, पुलिस मैन का नहीं करेंगे। चलो इसके आधारित पर देखते हैं एग्जाम्पल को। आई सॉ अ पुलिस इन द मार्केट, क्या ये सेंटेंस हमारा सही है। अ का मतलब क्या है, तो अ का मतलब वन है, है कि नहीं। अ का मतलब क्या है, तो वन है, तो यहाँ पर वन पुलिस के लिए किसको दर्शाया गया, तो पुलिस मैन। तो आई सॉ अ पुलिस इन द मार्केट, कि आई सॉ अ पुलिस मैन इन द मार्केट, तो पुलिस मैन यहाँ पे होना चाहिए, केवल पुलिस, लेकिन इसलिए हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। आई सॉ अ पुलिस मैन इन द मार्केट। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, आई सॉ टीम, अब पुलिसों की संख्या कितनी है, तो एक से ज्यादा है, और एक से ज्यादा के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो पुलिस मैन का। तो यहाँ पर तो पुलिस लिखा हुआ सही है, क्या गलत है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए आपका पुलिस। I saw 10 policemen in the market. मैंने बाजार में 10 पुलिस वाले को देखा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे और रूल नंबर 14 पे आते हैं। तो रूल्स नंबर 14। चलिए देखते हैं यहाँ पे ब्रेड को। तो ब्रेड बीइंग अनकाउंटेबल नाउन दैट इज सिंगुलर एंड गेट्स सिंगुलर वर्ब। ब्रेड जो होता है वह स्वभाव से कौन सा नाउन होता है, तो अनकाउंटेबल नाउन होता है, है कि नहीं। अनकाउंटेबल का मतलब जिसे गिना ना जा सके, तो कहने का मतलब ब्रीड जो होता है एक आपका एक अनकाउंटेबल नाउन होता है स्वभाव से, जो कि होता है सिंगुलर और अपने साथ वर्ब भी कैसा लेके आएगा, सिंगुलर। क्योंकि आपको पहले से पता है कि कोई भी अनकाउंटेबल जो नाउन होती है वो सिंगुलर ही होती है, अपने साथ वर्ब भी कैसा अप्लाई करती है, तो सिंगुलर ही अप्लाई करती है, ठीक है। चलो हम लोग आते हैं एग्जाम्पल पे। तो ब्रेड्स आर एसेंशियल फॉर लाइफ, क्या ये एग्जाम्पल सही लग रहा है, नहीं बिल्कुल गलत है। पहला गलती क्या है, तो पहला गलती आपका ये है कि ब्रेड जो है
यहाँ पर ब्रेक में आपका एस लगा दिया, और आपको पता है कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं होता, तो यहाँ पर ब्रेड्स नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो ब्रेड होना चाहिए। दूसरा गलती क्या है, अनकाउंटेबल जो नाउन होता है वो सदैव कैसा होता है, तो वो सिंगुलर होता है, तो यहाँ पे भर कैसा अप्लाई कर दिया है, तो प्लूरल जो कि होना नहीं चाहिए, क्या होना चाहिए, ईच, यानी कि सिंगुलर। तो ब्रेड इज एसेंशियल फॉर लाइफ, रोटी जीवन के लिए अति आवश्यक है। इसके कुछ फैक्ट्स हैं, हम लोग देखते हैं। फैक्ट नंबर फर्स्ट में बोल रहा है कि इट इज मेड काउंटेबल एडिंग अ पीस ऑफ स्लैश अ लॉफ ऑफ बिफोर ईट। ब्रेड को आपको पता है कि अनकाउंटेबल है, लेकिन अनकाउंटेबल से इसको काउंटेबल बनाया जा सकता है। ब्रेड को अनकाउंटेबल से काउंटेबल बनाया जा सकता है, कब, जब उसके पहले हम ये पीस ऑफ या ए लॉफ ऑफ को अप्लाई करते हैं तब। यानी कहने का मतलब है ब्रेड को काउंटेबल बनाने के लिए उसके पहले हमको क्या लगाना पड़ेगा, तो ए पीस ऑफ या तो ए लॉफ ऑफ। दूसरा फैक्ट देखते हैं, अनकाउंटेबल फॉर्म इट कैन बी सिंगुलर और प्लूरल अकॉर्डिंग टू इट्स नंबर। जब ब्रेड अनकाउंटेबल से काउंटेबल बन जाए, नहीं, जब अनकाउंटेबल से काउंटेबल के फॉर्म में आ जाए, उसके रूप में आ जाए, काउंटेबल के रूप में, तब ब्रेड जो है वो आपका सिंगुलर या प्लूरल बन सकता है, किसके अकॉर्डिंग, तो उसके संख्या के आधार पे। नहीं, जब ब्रेड जो है जब काउंटेबल के फॉर्म में आ जाएगा, अनकाउंटेबल से काउंटेबल के फॉर्म में आ जाएगा, तो अपनी संख्या के आधार पर ब्रेड जो है या तो सिंगुलर या तो प्लूरल बन सकता है, ठीक है। चलो अगला, ब्रेड कांट बी चेंज इनटू ब्रेड्स। जब अनकाउंटेबल से काउंटेबल के फॉर्म में आ जाएगा, फिर भी जो है ब्रेड जो है वो ब्रेड्स में चेंज नहीं होगा, है कि नहीं, ब्रेड कभी भी ब्रेड्स में चेंज नहीं होगा, भले वो काउंटेबल में होगा, अपने संख्या के नाम पे एक ब्रेड, दो ब्रेड, तीन ब्रेड हो जाएगा, लेकिन ब्रेड ही रहेगा। वन रहेगा फिर भी ब्रेड, और टू रहेगा फिर भी आपका ब्रेड, लेकिन वन टू थ्री ऐसे सीधे हम अप्लाई नहीं कर सकते। कोई भी कार्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर का हम प्रयोग ब्रेड से पहले नहीं कर सकते। आपको पता है कि उसको काउंटेबल बनाने के लिए क्या करना होगा, तो ए पीस ऑफ, जब वन रहेगा तो वन की जगह पे हम लिखेंगे ए पीस ऑफ, जब दो रहेगा तो टू पीसेस ऑफ, थ्री पीसेस ऑफ, है कि नहीं, या फिर वन रहेगा तो आपका ए लॉफ ऑफ, और एक से ज्यादा रहेगा तो टू लॉब्स ऑफ, थ्री लॉब्स ऑफ, एक्सेप्शन। चलिए हम लोग आते हैं एग्जांपल पे। आई एम ईटिंग वन ब्रेड, क्या ये एग्जांपल आपका सही है? मैंने बताया था ना कि ब्रेड जो होता है अनकाउंटेबल है, और इसके पहले कोई भी कार्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर यानी कि ए, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव सबका अप्लाई नहीं हो सकता। इसके पहले क्या अप्लाई होगा, तो या तो पीस ऑफ या तो ए लॉफ ऑफ। तो ये आपका एग्जाम्पल गलत है, यहाँ पे आई एम ईटिंग वन नहीं होना चाहिए, क्या होगा, ए पीस ऑफ, आई एम ईटिंग अ पीस ऑफ ब्रेड, ठीक। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, आई एम ईटिंग फोर ब्रेड्स, यहाँ पे तो आपको दो दो हो जाएगा, एरर रहेगा। तो सबसे पहले तो हो जाएगा आई एम ईटिंग फोर को ऐसे करने देते हैं, फोर पीसेस ऑफ, और ब्रेड में से एस को हटा देते हैं, ठीक है, यह आपका हो गया सही। I am eating four pieces of bread. मैं चार रोटियां खा रहा हूं, मैं एक रोटी खा रहा हूं, ठीक है। चलिए तो हम लोग आते हैं रूल्स नंबर 15 पे। चलो तो देखते हैं रूल्स नंबर 15। एडवाइस, देखिए एडवाइस का मतलब होता है सलाह। चलिए बोल रहा है कि एडवाइस बीइंग अनकाउंटेबल नाउन दैट इज सिंगुलर एंड गेट सिंगुलर वर्ब। एडवाइस भी जो होता है वह स्वभाव से कौन सा नाउन होता है, तो अनकाउंटेबल नाउन होता है, जो कि सिंगुलर होता है और अपने साथ वर्ब भी कैसा लेके आता है, तो सिंगुलर। चलिए इसके आते हैं एग्जांपल पर। योर एडवाइस इज वर्क वेरी वेल, आपको पता है ना कि एडवाइस कौन सा नाम, काउंटेबल या अनकाउंटेबल, तो अनकाउंटेबल, तो क्या अनकाउंटेबल नाम के साथ एसएस का प्रयोग होता है, क्या नहीं होता है ना, तो ये तो आपका गलत हो गया। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, एडवाइस। और कोई भी जो अनकाउंटेबल नाम होता है वो कैसा होता है, सिंगुलर वर्ब लेके आता है या प्लूरल वर्ब, तो सिंगुलर ना, तो यहाँ पे तो वर्ब अप्लाई होगा जो कि गलत है, होना क्या चाहिए था, तो वाज। Your advice was very well. आपका सलाह काफी अच्छा था। चलो इसके कुछ facts हैं, हम लोग आते हैं इसके facts पे। पहला facts बोल रहा है कि it is made countable adding a piece of before it. Advice को uncountable से countable बना सकते हैं कब? जब उसके पहले हम क्या जोड़ते हैं? A piece of the. ठीक ना? तो a piece of जोड़ के हम advice को uncountable से countable के form में ला सकते हैं। दूसरा, Incountable form, it can be singular or plural according to its number. जब advice uncountable से countable के form में आ जाएगा, तो ये अपनी संख्या के आधार पर या तो singular या तो plural बनने के लिए स्वतंत्र होता है, बन सकता है, ठीक है।
तीसरा एडवाइस कांट बी चेंज इनटू एडवाइसेस, एडवाइस कभी भी एडवाइसेस में बदला नहीं जा सकता है, क्योंकि आपका एक अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ नाउन एसपीएस का प्रयोग होता है और नहीं कोई अनकाउंटेबल नाउन जो है अपने साथ प्लूरल वर्ब लेके आता है। तो यहाँ पे अगर डायरेक्ट एडवाइस की चर्चा होगी तो अपने साथ प्लूरल वर्ब भी लेकर नहीं आता है। चलिए हम लोग आते हैं एग्जांपल पे। मेरा ये माय फादर हैज गिवन मी वन एडवाइस, माय फादर हैज गिवन मी वन एडवाइस, तो क्या वन टू थ्री फोर कभी भी एडवाइस से पहले आएगा क्या? आपको पता है ना कि एडवाइस आपका अनकाउंटेबल नाउन है, तो जब अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके पहले कभी भी कार्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर की चर्चा, जैसे कि वन टू थ्री फोर फाइव वगैरह का चर्चा नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, माय फादर हैज गिवन मी अ पीस ऑफ एडवाइस, मेरे पिताजी मुझे कितने एडवाइस दिए, तो एक सलाह दी। ठीक है, अगला एग्जाम्पल माई फादर हैज गिवन मी टू एडवाइसेस, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे टू भी यहाँ पे आपका नहीं होगा और यहाँ पे एडवाइसेस भी नहीं होगा, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि माय फादर हैज गिवन मी टू पीसेस पीसेस, क्योंकि यहाँ पे वन है ए है तो ए के अकॉर्डिंग पीस, क्योंकि यहाँ पे टू है तो टू के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा पीसेस, तो माय फादर हैज गिवन मी टू पीसेस ऑफ क्या हो जाएगा एडवाइस। ठीक है, मेरे पिताजी मुझे कितने एडवाइस दिए, तो दो एडवाइस दिए। तो दोस्तों ये था फैक्ट्स ऑफ नाउन के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स जिसे आपको याद रखना बेहद जरूरी है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट डे आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और ये जो टॉपिक है आपका फैक्ट्स ऑफ नाउन का ये यहीं पर समाप्त होता है। मैं आपको नेक्स्ट डे एक नए टॉपिक के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए आप वीडियो को देखते रहें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय।